नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र प्रसाद और इस समय आप मेरे चैनल राज फोटोटेक को देख रहे हैं। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि ब्लेंड इफ टूल की मदद से कैसे स्काई को रिप्लेस किया जा सकता है। ब्लेंड इफ फोटोशॉप में एक ऐसा टूल है जिसे उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना उसे दिया जाना चाहिए। यह लेयर स्टाइल के अंदर छुपा होता है और ज्यादातर फोटोग्राफर्स इसका जिक्र ही नहीं करते, ऐसा इसलिए कि वे इसके बारे में जानते ही नहीं। वास्तव में फोटोशॉप में दो इमेज को ब्लेंड करने के लिए यह सबसे आसान टूल है। ब्लेंड मोड्स की ही तरह ब्लेंड इफ आपको दो लेयर्स को आपस में ब्लेंड करने की सुविधा देता है, पर आपका इस ब्लेंडिंग पर अधिक कंट्रोल रहता है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप एक बार इसका उपयोग जान जाएंगे तो बार बार इसे इस्तेमाल में लाएंगे। कोई भी टूल किस प्रकार काम करता है यह समझना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए आइए देखें कि यह टूल कैसे काम करता है। एक वाक्य में आप कह सकते हैं कि ब्लेंड इफ के स्लाइडर्स लेयर की विजिबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। इसके काम करने के तरीके को अच्छी तरह एक उदाहरण से समझते हैं। मैंने इसीलिए पहले से स्क्रीन पर एक तस्वीर खोल रखी है। इस तस्वीर में दो लेयर्स हैं, जैसा कि आप लेयर पैनल में देख रहे होंगे। ऊपर वाले लेयर पर आपको अनेक रंगों के बहुत से रेक्टेंगल दिखेंगे और इसके बगल में एक ब्लैक एंड व्हाइट सर्कुलर ग्रेडियंट भी दिखेगा। नीचे वाले लेयर पर भी एक ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट है। ऊपर वाले लेयर पर डबल क्लिक करें, आपके सामने ब्लेंडिंग ऑप्शन का पैनल खुल जाएगा। इसके पैनल के निचले भाग में आपको ब्लेंड इफ का ऑप्शन मिलेगा। यहां आपको दो स्लाइडर्स मिलेंगे, दिस लेयर और अंडरलाइंग लेयर। ऊपर के स्लाइडर्स, जिसे दिस लेयर के नाम से जाना जाता है, ऊपर वाले लेयर्स के इमेज की जानकारी को इस्तेमाल करते हैं, जबकि अंडरलाइंग लेयर नीचे वाले लेयर के इमेज की जानकारी को इस्तेमाल में लाते हैं। और ब्लेंड इफ यह निर्धारित करता है कि जिस लेयर के स्लाइडर्स का उपयोग करेंगे उसका कौन सा हिस्सा दिखेगा या गायब हो जाएगा। सबसे पहले हम दिस लेयर के स्लाइडर्स का उपयोग करेंगे। अभी मैं दिस लेयर के बाईं ओर वाले स्लाइडर को दाहिनी ओर खिसका रहा हूं। आप देख रहे होंगे कि ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट के ब्लैक एरिया धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होते चले जा रहे हैं, और मैं जितना ज्यादा स्लाइडर खिसका रहा हूं उतने ज्यादा ग्रे टोन्स ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं। इसलिए आप जहां पर इस स्लाइडर को रखेंगे वही यह निर्धारित करेगा कि ब्लैक के अलावा और उससे कम कितने ग्रे टोन्स ट्रांसपेरेंट होंगे। अब मैं राइट स्लाइडर को बाईं तरफ खिसका रहा हूं और आप देखेंगे कि पहले की ही तरह व्हाइट के अलावा व्हाइट से डीप कुछ और टोन्स ट्रांसपेरेंट होते चले जा रहे हैं। आप यह भी देख रहे होंगे कि इस सेलेक्शन के किनारे शार्प हैं, लेकिन इस टूल में यह भी सुविधा है कि आप उन किनारों को सॉफ्ट बना सकें। ब्लेंड इफ के सभी स्लाइडर्स दो स्लाइडर्स को जोड़कर बने होते हैं। यह याद रखें कि जैसे ही आप अल्ट बटन को दबाकर किसी भी स्लाइडर पर क्लिक करेंगे तो उसके दोनों भाग अलग हो जाएंगे। अब अल्ट बटन को दाबकर मैं लेफ्ट स्लाइडर पर क्लिक कर रहा हूं। आप देख रहे हैं कि यह दो टुकड़ों में बट गया है। अब मैं इन टुकड़ों को एक दूसरे से दूर कर रहा हूं और आप ग्रेडियंट को देखें। यहां आप देखेंगे कि ब्लैक सेलेक्शन का किनारा सॉफ्ट हो गया है। यही काम दाहिने स्लाइडर पर भी आप करके देख सकते हैं। ब्लेंड इफ पैनल में इमेज के चैनल्स चुनने का भी ऑप्शन रहता है। डिफॉल्ट रूप से यह ग्रे रहता है जिस पर आपने अभी काम किया है। अब मैं रेड चैनल सेलेक्ट करके राइट स्लाइडर को लेफ्ट ले जा रहा हूं। आप देखेंगे कि रेड और व्हाइट एरिया गायब होते जा रहे हैं। उसी प्रकार मैं ग्रीन चैनल को चुनता हूं और राइट स्लाइडर को लेफ्ट ले जाता हूं तो ग्रीन और व्हाइट एरिया स्लाइडर को खिसकाने पर गायब होते जाते हैं। अंत में ब्लू चैनल सेलेक्ट करने पर ब्लू और व्हाइट रेक्टेंगल स्लाइडर के खिसकाने पर गायब हो जाते हैं।
यहां आपने देखा कि ब्लेंड इप से हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि न केवल ब्लैक और व्हाइट बल्कि कोई भी कलर कितना ट्रांसपेरेंट हो सकता है। अब आइए देखें कि बॉटम स्लाइडर्स किस प्रकार से काम करते हैं। जब मैं अंडरलाइंग लेयर के बाएं स्लाइडर को दाहिनी ओर खिसकाता हूं तो नीचे वाले लेयर के ब्लैक एरिया अपने टोनल वैल्यू के अनुसार दिखाई देने लगते हैं, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसी प्रकार राइट स्लाइडर को लेफ्ट की तरह खिसकाने पर नीचे वाले लेयर के व्हाइट एरिया टोनल वैल्यू के आधार पर दिखने लगते हैं। हमने अभी अभी देखा कि ब्लेंड इफ कैसे काम करता है, पर अब देखें कि रियल वर्ल्ड में हम इन्हें कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। सभी तस्वीरों में स्काई अच्छे नहीं होते, कभी कभी मौसम के कारण एक अच्छी तस्वीर होते हुए भी साफ आसमान के कारण उसकी वैल्यू कम हो जाती है। आइए देखें कि ब्लेंड इफ की मदद से स्काई को कैसे रिप्लेस किया जा सकता है। ब्लेंड इफ स्काई रिप्लेस करने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। यह हमारे लिए ऑटोमेटिकली स्काई सेलेक्ट कर देता है और केवल इसी से हमारे घंटों की मेहनत बच जाती है, खास तौर पर तब जब पेड़ों की टहनियों को सेलेक्ट करना पड़ता है। किसी तस्वीर की आकाश को रिप्लेस करने के लिए पहले उसे खोलें। इसके स्काई में कोई डिटेल नहीं है। अगर लेयर पैनल नहीं खुला हो तो F7 दबाकर उसे खोल लें। आपकी तस्वीर लेयर पैनल में बैकग्राउंड लेयर की तरह दिखाई देगी। अब Ctrl+J दबाकर इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लें। अब अपने स्टॉक इमेज में से एक बादलों वाले स्काई की तस्वीर को खोलें। मैं ऐसी ही एक इमेज को खोल रहा हूं। Ctrl+A दबाकर इस इमेज को सेलेक्ट कर लें। अब Ctrl+C दबाकर इसे कॉपी कर लें। अब लैंडस्केप के बैकग्राउंड लेयर पर क्लिक करें और Ctrl+V दबाकर क्लाउड इमेज को यहां पेस्ट कर दें। अब लेयर पैनल में टॉप लेयर पर डबल क्लिक करके लेयर स्टाइल पैनल को खोलें। इसके निचले भाग में यहां ब्लेंड इफ मेनू दिखाई दे रहा है। यह ध्यान दें कि ब्लेंड इफ में ग्रे सेलेक्टेड हो, क्योंकि स्काई ग्रे कलर की ही है। अब दिस लेयर के दाहिनी ओर के स्लाइडर को धीरे धीरे बाईं तरफ खिसकाएं, जैसा कि आप यहां स्क्रीन पर मुझे करते हुए देख रहे हैं। लैंडस्केप की स्काई ट्रांसपेरेंट होकर गायब हो जाएगी और धीरे धीरे आपको नीचे बादलों भरी स्काई दिखाई देने लगेगी। इन दोनों इमेज की ब्लेंडिंग को स्मूथ करने के लिए अल्ट बटन को दबाकर स्लाइडर पर क्लिक करें। यह दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। अब इन दोनों भागों को एक दूसरे से दूर खींचे जब तक कि ट्रांजिशन स्मूथ न हो जाए। आइए देखते हैं कि ब्लेंड इफ स्लाइडर ने लैंडस्केप के किन हिस्सों को ट्रांसपेरेंट बनाया है। इसके लिए लैंडस्केप के नीचे के लेयर्स के आई आइकॉन को दबा दें, जिससे उनका दिखना बंद हो जाएगा और अब आप इसके ट्रांसपेरेंट एरिया को देख सकते हैं। फोटोशॉप किसी इमेज के ट्रांसपेरेंट एरिया को चेकरबोर्ड पैटर्न्स के रूप में दिखाता है। आप अगर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि घर के कुछ हिस्से, जैसे कि उसके रूफ, खिड़कियां तथा ग्रास के कुछ हिस्से भी ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, क्योंकि उनका ग्रे टोन भी स्काई के टोन से मिलता जुलता था। इन एरियाज को ठीक से देखने के लिए एक सॉलिड कलर लेयर का हम इस्तेमाल करेंगे। क्लाउड लेयर को क्लिक करके सेलेक्ट करें और एडजस्टमेंट लेयर में सॉलिड कलर एडजस्टमेंट को चुन लें। कलर पिकर में कोई कंट्रास्टी कलर ले लें। मैं यहां लाल रंग ले रहा हूं और ओके बटन को दबा दें। अब आपको सभी ट्रांसपेरेंट एरिया लाल रंग में अच्छी तरह दिखाई देंगे। अब आप आसानी से देख पाएंगे कि घर की छत, खिड़कियां और ग्रास के कुछ हिस्से भी ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। सॉलिड कलर लेयर का काम केवल ट्रांसपेरेंट एरिया को अच्छी तरह देखने के लिए था, इसलिए इसके आई आइकॉन को अब दबा दें, जिससे कि इसका दिखना बंद हो जाएगा।
अब ट्रांसपेरेंट एरिया को फिर से सही करने के लिए स्काई लेयर पर क्लिक करके उसे सेलेक्ट करें और लेयर पैनल में नीचे ऐड लेयर मास्क बटन को दबा दें। स्काई लेयर के बगल में एक मास्क बन जाएगी। अब फोरग्राउंड में ब्लैक कलर लें और एक ब्रश की सहायता से उन एरियाज पर पेंट करें जहां की इमेज आपको वापस लानी हो, जैसा कि मैं यहां पेंट करके दिखा रहा हूं। पेंट करने में ज्यादा सावधानी की आवश्यकता नहीं, केवल रूफ के किनारों पर थोड़ा सावधान रहें। बस आपकी स्काई सही तरीके से मिंटों में रिप्लेस हो गई है। आशा है यह ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले ट्यूटोरियल्स में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। आपका दिन मंगलमय हो। आशा है यह ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकॉन को दबा दें। इस अंक में इतना ही। अब नए वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। गुड बाय फॉर नाउ।